हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एक और नया वीडियो लेकर दोस्तों आपके लिए आ गया हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो दोस्तों जल्दी भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है, और वो है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A22 सीरीज। जी हाँ दोस्तों, इसको मैं सीरीज इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि A22 सीरीज के तहत 4G और 5G दो स्मार्टफोन जल्दी भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाले हैं। ये दोनों स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में दोस्तों लॉन्च हो चुकी है। इसको सबसे पहले दोस्तों यूरोप में लॉन्च किया गया था। दोस्तों भारतीय बाजार में इसके दोनों ही वेरियंट जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी A22 4G वेरियंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी दोस्तों कंफर्म प्राइस लीक हो गई है। साथ ही दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन भी लीक हो गए हैं। तो दोस्तों आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों आप भी सैमसंग का एक मिड रेंज में आने वाला स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूँ जिग्नेश, आप देख रहे हो कैम्चोटेक। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A22 स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और इसके डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों सैमसंग के ज्यादातर स्मार्टफोन आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिलते हैं, तो इस स्मार्टफोन में भी दोस्तों आपको बैक और फ्रेम दोनों ही प्लास्टिक के देखने को मिलने वाले हैं, जो दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। वहीं दोस्तों डिजाइन की बात करें तो सैमसंग काफी टाइम से एक ही डिजाइन के फोन भारतीय बाजार में लॉन्च करते जा रहा है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी आपको बैक साइड टॉप कॉर्नर पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप और उसके नीचे एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिलने वाली है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोस्तों यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 वर्जन 1UI 3.1 आउट ऑफ द बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंच की HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो दोस्तों 10:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है। पहले दोस्तों सैमसंग के स्मार्टफोन उसकी डिस्प्ले के वजह से जाने जाते थे, लेकिन दोस्तों आजकल कंपनी सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो दे देती है लेकिन फुल HD+ नहीं देती। इस स्मार्टफोन में भी कंपनी ने यही किया है, इसमें आपको HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी है। यहां पर कंपनी को दोस्तों फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देनी चाहिए थी। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G80 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आजकल भारतीय बाजार में 10,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आने वाले स्मार्टफोनों में आपको ये चिपसेट मिलता है। वही दोस्तों कंपनी को इस प्राइस सेगमेंट में MediaTek Helio G95 प्रोसेसर देना चाहिए था। इस चिपसेट के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको डेली टास्किंग को मल्टी टास्किंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन दोस्तों अगर आप गेमिंग करते हो तो यह स्मार्टफोन कई बार हिट होने लगता है। तो दोस्तों अगर आप गेमिंग के लिए यह स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हो तो यह स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है। कैमरे की बात करें तो दोस्तों सैमसंग के कैमरे डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। इस स्मार्टफोन में भी कंपनी ने क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें दोस्तों 48MP का प्राइमरी सेंसर होने वाला है। वही दोस्तों 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल मोड, 2MP का मैक्रो, 2MP का डेप्थ सेंसर लेस कंपनी ने इस स्मार्टफोन में दिया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने इस स्मार्टफोन में 13MP का कैमरा दिया हुआ है। दोस्तों इस स्मार्टफोन की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको OIS कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन इमेज स्टेबिलाइजेशन, जो दोस्तों आपको एक बेहतरीन कैमरा एक्सपीरियंस कराएगा। बैटरी की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की दमदार बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की फैसिलिटी मिलने वाली है। कनेक्टिविटी के तौर पर दोस्तों आपको स्मार्टफोन में वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ 5.0 और टाइप सी पोर्ट जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। यह स्मार्टफोन दोस्तों भारतीय बाजार में 4 कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हो सकता है। बात करते हैं वेरिएंट की, तो दोस्तों यह स्मार्टफोन भारतीय बाजार में 3 वेरिएंट में कंपनी लॉन्च कर सकती है। यह स्मार्टफोन दोस्तों आपको 6GB रैम और 128GB फोन स्टोरेज की वेरिएंट में तो मिलने ही वाला है, जिसकी कीमत दोस्तों लीक हो गई है और जो है दोस्तों 18,499 रुपये। इसके अलावा भी दोस्तों कंपनी 4GB रैम और 64GB फोन स्टोरेज और 4GB रैम और 128GB फोन स्टोरेज वाले 2 वेरिएंट भी भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पर क्या ये स्मार्टफोन हमें खरीदना चाहिए या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर दोस्तों आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।